प्यारे स्टूडेंट आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग खुद अच्छे ढंग से पढ़िए लिखिए, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं उसमें भाग लीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसको बताया जाएगा और ईमानदारी को और टेस्ट लिखना है आप लोगों को। दोस्त आपके अंदर ऐसी बातें उत्पन्न हुआ होगा कि बीच में क्यों दिया जाता है, इसको इधर इधर से गुणा करते हैं बीच में माइनस क्यों देते हैं। अभी आपको क्लियर करेंगे, यहाँ पे आ गया वो समय जहां आप सारी बातें को समझ जाइएगा कि बीच में माइनस क्यों दिया जाता है। क्या लिखा हुआ देखिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 है उसको हम उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का मान कैसे निकाला जाता है, ये अच्छी चीजें अभी आपको बताएंगे। देखो तो सबसे पहले प्यारे बच्चों लेट मान लेंगे, लेट मान लेंगे ए इक्वल टू क्या होगा, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच के देन, जब यहां पे डिटरमिनेंट का साइन लेंगे दोस्तों तो आपको बताया गया था कि जो मैट्रिक्स का साइन है ये आपका डिटरमिनेंट के साइन बदल जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच के बदल गया। आप यही बच्चों को एक्सपेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग का मतलब समझेगा आपको, एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन मतलब हम एक्सपेंड कर रहे हैं आर वन क्यों, एक्सपेंडिंग का मतलब क्या होगा आप समझिएगा। सबसे पहले बेटा क्या कहेंगे यहां पे ए लेंगे, लेकिन ए एक्सपेंडिंग आर वन लिखा गया मतलब ए लेंगे और ए के पहले आपको देना होगा माइनस वन का पावर आई प्लस डी, माइनस वन का पावर आई प्लस डी देना होगा। क्यों देंगे बताया जाएगा, ये आपका फॉर्मूला समझ लेते तरह से है। अब जब एक है जिसके आमने और सामने का जो एलिमेंट है उसको कवर कर देना है, कवर करने के बाद आपका क्या दिख रहा है ये पूरा ढक गया, ढकने के बाद आपका दिख क्या रहा है देखिए ई एच एफ के बीच में फिर प्लस देंगे फिर यहां पे माइनस वन का पावर आई प्लस माइनस वन का पावर आई प्लस जी लिखेंगे, उसके बाद फिर इसके आमने सामने के इवेंट को कवर कर देंगे डी जी डी जी एफ के, फिर दोस्तों प्लस देंगे फिर यहां पे लिखेंगे माइनस वन का पावर आई प्लस जी, फिर प्यारे बच्चों इसके आमने सामने को कवर कर देंगे यानी सी लिया गया और सी यहां पे देखो बी लिए तो आपको यहां पे बी लिखना है, सी लिए तो आपको यहां पे सी लिखना है, इसके आमने सामने इसके आमने सामने कवर कर देंगे। बचा क्या डी जी ई एफ, तो हम लिखेंगे डी जी ई एफ ए आप रखिएगा, ये सही लिखा गलत कहीं मतलब एक ही इवेंट दो जगह मिला थी, यहां भी मिल गया देखिए फिर ये यहां मिल गया यहां मिल गया, आपको बिल्कुल सही लिखा जाए। अब यहां की बात दोस्तों जरा देखो, चलो आगे देखो, अब आपको ये बताना है कि आई जे यहां पर वही देना था आपको, हाँ देख लिया। अब आपको बताना है कि ए एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ए एलिमेंट मेरा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का है, ए एलिमेंट मेरा कितना है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का। आप मैट्रिक्स में पढ़े होंगे, मैट्रिक्स में आपको बताया गया है यहां पे आई का मान वन है जे का मान आपका वन है, तो वही यहां पे ए लिया लिया गया, ए देखना है कितना रो कितना कॉलम का है, कितना रो कितना कॉलम का है आप उसको जोड़ दीजिएगा ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद कहीं ओड नंबर आएगा तो माइनस देना है, इवन नंबर आएगा तो आपको प्लस देना है। जैसे ये देखते हैं ए कितना रो कितना कॉलम का है तो आगे उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं देखिए। तो प्यारे बच्चों आप ए याद है, ए है आई का मान वन है जे का मान वन है, तो आपको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पुट कर देते हैं आई का मान वन जे का मान वन यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद जरा सा यहाँ पे देखिएगा बीच में माइनस देने का, इसको हम हल करके बता देते हैं ई एफ ई
एच एफ के है। तो दोस्तों आप यहां पे समझिए, इसको इधर से इसको इधर से गुणा करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलाउड कहीं पे लिया गया आर वन, तो आर वन लेंगे तो ई लेंगे, तो यहाँ पे देखिए ई मेरा कितना का है, वन वन का है, ये दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देने पर डिविजन नंबर कहीं आएगा, जिससे यहाँ पे आपको लगाया गया है ए के पहले माइनस वन का पावर आई प्लस जे, इसी तरह यहाँ पे लगाना होगा ई के पहले माइनस वन का पावर आई प्लस जे लगाना होगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे लगा देते, चलो यहाँ पे लगा देते हैं माइनस वन का पावर आई प्लस जे लगा दिया गया, ई को लेके एक्सपेंडिंग अलाउड किया गया, ई को लेके इसके आने समय ढक देंगे तो आपका यहाँ पे के आ जाएगा प्लस, फिर अब आर वन को एक्सपेंड किए तो यहाँ पे एफ के पहले पे लगा देंगे माइनस वन का पावर आई प्लस जे, और एफ लेंगे तो इसके आमने सामने ढक देंगे तो आपका एच हो। यहाँ की बात क्या रही बच्चों, जरा समझिए बेटा, ए वन वन का है तो यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस वन का पावर वन 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 प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा आपका ई के प्लस माइनस वन का पावर एफ, देखिए एफ कितना का है, ए वन टू का है तो यहाँ पे पुट कर देंगे ए प्लस वन प्लस टू कर देंगे, बगल में आपका रह गया एफ एच, अब माइनस के पावर वन प्लस वन, यहाँ पे आ गया माइनस का पावर टू ई के प्लस माइनस वन का पावर थ्री एफ एच। यहाँ के बाद बच्चों माइनस का पावर नंबर, माइनस का पावर इवन नंबर है, माइनस वन का पावर टू है तो माइनस वन इंटू माइनस वन लिखेगा, माइनस वन सबका प्लस दे देगा वन आएगा, तो वन आया तो यहाँ पे वन नहीं लिखेगा चलेगा, तो क्या लिखेगा ई के, माइनस का पावर आपका क्या है ओड नंबर है, इसका मतलब माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन प्लस 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 माइनस हो जाएगा, तो प्लस तो माइनस मिलकर आपका माइनस यहाँ पे दे देगा तो यहाँ पे एफ एच आ जाएगा, बीच में माइनस का आपको आंसर मिल गया होगा। आप यहाँ पे ध्यान में रखिए कि कितना, जैसे कि मतलब जिस वो एक्सपेंडिंग करेंगे तो जो इलेवेंट बोलेंगे उसको देखना है कितना रो कितना कॉलम का है, कहीं और दोनों कितना रो कितना कॉलम का है बेटा, आपको दोनों को पहले जोड़ देना है, जोड़ने के बाद कहीं आपका इवेंट नंबर आएगा तो उस गुना करने का जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस में लिखना, और कहीं और नंबर आएगा तो गुना करने का जो रिजल्ट लिखना उसको माइनस में लिखना। जैसे यहां पे देखिए इसको लिया गया था, ये दोनों जोड़ने बाद क्या आया था इवेंट नंबर, इसका रिजल्ट प्लस में आया है, गुना करने बाद प्लस में आया है, एफ को लिए तो इसको जोड़ने बाद फर्स्ट और फर्स्ट फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को फर्स्ट और सेकेंड कॉलम को जोड़ने बाद आपका जो आया वो नंबर, इसलिए इधर गुणा करने वाले माइनस में लिखा गया। यहां भी आपका वही करेंगे, यहां भी प्यारे बच्चों वही करने वाले हैं, आप देख लीजिए पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, अब इस तरीके से याद रख सकते हो। चलो देखो आगे इसे निकाल दिया गया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया था आपको, आप समझ गए होंगे हम आशा करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये कितना रो का है, ये मेरा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का, आई का मान वन है, जे का मान वन है, शुरू कर देंगे तो यहाँ पे माइनस वन वन प्लस वन आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये रहेगा, इसको गुणा कर देंगे ई के माइनस एच एफ प्लस। यहाँ के बाद प्यारे बच्चों बी है ना, तो देखिए बी कितना रो का फर्स्ट और सेकेंड कॉलम का, यहाँ पे शुरू कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन का पावर वन प्लस टू, यहाँ पे बी का बी लिखेंगे, उसके बाद इसको जैसे गुणा करेंगे डी के, यहाँ पे डी के माइनस जी एफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप सी पे आते हैं, तो सी देख सकते हैं फर्स्ट और थर्ड कॉलम का है, तो बेटा यहाँ पे लिखेंगे माइनस वन का पावर वन प्लस थ्री, यहाँ पे सी डी एफ माइनस जी ई हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइनस के पावर आपका क्या है इवेंट नंबर है, एंड वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो माइनस वन का पावर कहीं इवेंट नंबर रहेगा तो क्या देता है बता देते हैं आपको, प्लस देगा और उसके बाद वन का पावर इवेंट नंबर आ जाएगा, यहाँ पे दो रहता तो प्लस हो जाता है, दो का पावर इवेंट नंबर हो जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे माइनस का पावर जोड़ने बाद इवेंट नंबर आएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए ई के माइनस एच एल, उसके बाद माइनस का पावर रूट नंबर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी डी के माइनस डी एफ। उसके बाद थ्री प्लस वन मतलब थ्री प्लस वन के फोर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस का पावर क्या है, माइनस का पावर इवेंट नंबर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा
और डी एफ माइनस डी हो जाएगा। तो यहां पे पहले आप क्या करना है, हर जगह ये नियम को हम ऐसा लिखेंगे नहीं, बस आपका जो नियम बता रहे हैं जो ठीक बता रहे हैं उसको सुनिए। आपने एक्सपेंडिंग एलम आर वन करते हो तो पहले प्लस लिखना, फिर माइनस लिखना, फिर प्लस लिखना, क्योंकि ये मेरा वन वन का है प्लस, ये वन टू का है, जुड़ने वाला दो नंबर आएगा सी माइनस, ये वन थ्री का है सी, इसको जुड़ने बाद एक नंबर आएगा सी प्लस। इसलिए क्या करना, पहले प्लस देना फिर माइनस देना फिर प्लस लिखना। जब हम आर वन की ओर एक्सप्लेन करेंगे, आर वन की ओर एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पे पहले प्लस देंगे थ्री बाय थ्री ऑर्डर के लिए, फिर माइनस देंगे, फिर प्लस देंगे। जब हम आर टू की ओर करेंगे एक्सपेंड तो आर टू की आर टू करेंगे तो आर टू आपका ये हो जाएगा। इसको इसको देखिए, ये मेरा कितना का है, ये मेरा टू वन का है, टू वन को जोड़ेंगे थ्री आए वो नंबर आएगा, इसलिए पहले क्या करेंगे माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जब हम जाएंगे आर थ्री की ओर, जब हम आर थ्री को एक्सपेंड कहीं करेंगे तो आपका ये कितना का है, वन थ्री का है, मतलब थ्री वन का, सॉरी थ्री वन का है, ये एलिमेंट मेरा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का है, जोड़ेंगे तो इवेंट नंबर आएगा, पहले प्लस देंगे फिर माइनस देंगे फिर प्लस देंगे। उसके बाद जब सी वन की ओर आएंगे, कहीं हम सी वन की ओर एक्सप्लेन करेंगे तो सी वन ये है, सी वन की ओर करेंगे, ये एलिमेंट कितना का है, वन वन का है, तो पहले प्लस देंगे फिर माइनस देंगे फिर प्लस देंगे। जब सी टू की ओर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वन टू वन नंबर है, तो सी टू की ओर में एक्सप्लेन करेंगे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। जब सी थ्री की ओर एक्सप्लेन करेंगे तो ये मेरा वन थ्री का है, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस हो जाएगा। आप किसी के ओर एक्सप्लेन कर सकते हो, आप किसी की ओर देखो, एक कहीं डिटरमिनेंट का ऑर्डर थ्री बाय थ्री है तो हम तीन को रो और तीन को कॉलम की ओर एक्सपेंड करके उसका मान निकाल सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब आप समझ लीजिए, देखिए मतलब फैलाना होता है, एक्सपेंड का मतलब फैलाना होता है। तो जब आप इस फॉर्म में उसको लिखिएगा तो एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट का ऑर्डर थ्री बाय थ्री हो तो उसको थ्री बाय थ्री ऑर्डर कहीं रहेगा तो उसको हम छह तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तीन को रो और तीन को प्यारे बच्चों कॉलम, लेकिन छो तरीके से हम मान निकाल लेते हैं तो आपका सारा का रिजल्ट सेम निकलेगा। चाहे रो की ओर एक्सप्लेन करके निकालो या तो कॉलम की ओर, फर्स्ट रो की ओर एक्सप्लेन करके निकालो तो सेकंड रो की ओर एक्सप्लेन करके निकालो तो थर्ड रो की ओर एक्सप्लेन करके निकालो तो फर्स्ट कॉलम की ओर एक्सप्लेन करके निकालो तो सेकंड कॉलम की ओर एक्सप्लेन करके निकालो तो थर्ड कॉलम की ओर एक्सप्लेन करके निकालो, आपका जो आंसर आएगा हर एंगल से सेम आएगा। तो आपसे पूछेगा कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर थ्री बाय थ्री है उसको तरीका से एक्सप्लेन करेंगे तो आप कितना जवाब दीजिएगा, छह तरीका से, कहेगा कि आंसर सेम आएगा तो हम बिल्कुल आपका आंसर सेम आएगा। और जब हम आर वन की ओर एक्सप्लेन करेंगे पहले प्लस देंगे फिर माइनस देंगे फिर प्लस देंगे, जबकि आर वन आर टू की ओर एक्सप्लेन करेंगे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, कहीं आर थ्री की ओर एक्सप्लेन करेंगे तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, उसी प्रकार आप कॉलम की ओर आ रखिए। क्यों, कितना रो कितना कॉलम का है, जिसकी ओर एक्सप्लेन करेंगे तो जो इलेवन वहां पे रखेंगे उसको देखना है कितना रो कितना कॉलम का है, उसको जोड़ देना है रो और कॉलम को, ओड नंबर तो प्लस देना, इवेंट नंबर तो माइनस देना, तो फिर तरीका आ जाएगा। तो ये आपका पूरा यहाँ पे क्लियर था, क्यों प्लस दिया जाता है क्यों माइनस दिया जाता है। चलिए इसे हम सवाल लेके आते हैं, चलिए दोस्तों अब मान लेते हैं सवाल लेके आते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं इसके। लेट मान लिया गया ए इक्वल टू टू थ्री फाइव फोर सिक्स सेवन एट, कुछ भी मान सकते हैं, चलो यहां पर टू मान लिया गया, जीरो भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। देन कहीं यहां पर मान निकालेंगे, डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे, यहां पे आपको बताया गया था क्या लेंगे, ये साइन वाला लगेगा डिटरमिनेंट के साइन में, फोर सिक्स सेवन हो जाएगा, एट नाइन आपका जीरो हो जाएगा। यहां के बाद दोस्तों देखिए, यहां पर लिख सकते हो नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंडिंग एलॉन्ग क्या लिखते हैं, अगर हम किसी की ओर एक्सपेंड कर सकते हैं तो यहां पे बेटा क्या लेंगे, टू लेंगे, इसके बाद इसके आपने सामने रेंज को ढक देंगे, सिक्स सेवन नाइन जीरो, उसके बाद पहले प्लस में क्या लेंगे, माइनस लिखेंगे, लेकिन कहीं यहां माइनस हो जाता है क्या हो जाता है प्लस, ध्यान रखना ये माइनस नहीं, माइनस में क्या आपका प्लस हो जाता है, लिखना है प्लस में, इसलिए यहां पर माइनस देंगे। चलिए आगे देखिए, ये ढक देंगे, ढक देंगे, फिर लेंगे
इसके आमने सामने के एलिमेंट को ढक देंगे। तो क्या तक दिखाई दे रहा है, 4870 प्लस, अगर आपका 5 लेंगे इसके आमने सामने के एलिमेंट को ढक दो तो 4869 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो हल करते हैं, तो बेटा आपका 2 लिखेंगे यहां पे तो ये 0 और 9 7 63 हो जाएगा। उसके बाद -3 यहाँ पे 0 और 8 7 56 हो जाएगा। उसके बाद 5 लेंगे यहाँ पे 9 4 36 और 8 6 48 हो जाएगा। यहाँ के बाद दोस्तों इसको हल कर लेते, देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 63 प्लस हो जाएगा, माइनस में माइनस लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका -56 और यहाँ पे +5 और यहाँ पे देखिए ये घट जाएगा तो यहाँ पे 36 40 तो 8 12 बचेगा आपका माइनस में। उसके बाद दोस्तों इसको गुणा कर देते हैं, माइनस हो जाएगा 6 × 12। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 34 18 35 15 16 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 12 5 7। उसके बाद देखिए दोस्तों तो माइनस वाला क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि 108 700 तो आपका ये 8 होगा, यहाँ पे 108 आ जाएगा, 108 तो -126 प्लस 108 है ना, कारण ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। उसके बाद यहाँ भी देखिए आप यहाँ पे क्या जा रहा है, 126 में कहीं 8 जाएगा, 26 में 8 जाएगा बेटा आपका बच जाएगा 18 है ना, माइनस में बचेगा तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार ध्यान से, आपको इसी प्रकार बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आएंगे। चलिए दोस्तों अभी जो पीछे बताया उसको ये 3 by 3 ऑर्डर करता है, मतलब उसको हम 6 तरीका से एक्सप्लेन करेंगे, 6 तरीके एक तरीके से कर दिया गया, उसको 5 तरीके से और कहीं आप एक्सप्लेन कीजिएगा तो आपका आंसर -18 -18 -18 -18 -18 -18 हो जाएगा, समझा, ये चीज को ध्यान में रखना है। चलिए कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। तो सबसे पहले लेट मान लिया के बाद सब डायरेक्ट डेल्टा दे देते हैं वो है ना, क्योंकि इसमें डेल्टा बराबर मान लेते हैं सवाल ऐसा, तो फिर इसको ऐसा कर देते हैं। देखिए इवैल्यूएट करना है 1 2 3 0 -1 4 1 0 2 मान लिया गया है, मान लेते इतना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे, लेट मान लेंगे डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 0 -1 4 1 0 2 है ना, तो इसको एक्सपेंडिंग करें कार्बन क्यूब C1 की हो तो R2 की हो तो C2 की हो तो R3 की हो तो C3 की हो, सबका आंसर सेम आएगा। चलिए हम बिना लिखे भी कर देते हैं, अभी देखिए R1 की ओर आ रहे हैं, R1 को एक्सप्लेनिंग किया जा रहा है, 1 बोलेंगे इसके आने सामने का ढोंगेंगे ढंग देने पर आपको यहां से मल्टीप्लाई करना है तो -2 -0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 लेंगे इसके आने सामने को ढंग देंगे इसके आस मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 हो जाएगा, +3 लेंगे इसके आने सामने ढंग दो तो आपका 0 + 1 हो जाएगा। यहाँ के बाद प्यारी बच्चों यहाँ पे देखिए 1 को -2 से गुणा करेंगे -2 आएगा, उसके बाद माइनस ये बाहर निकल के मिल के पड़ा दे जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 तो 8 और 3 11 में 2 चला जाएगा, 11 में कहीं 2 चला जाएगा बेटा तो आपका बचेगा 9। चलिए आप इसको कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको बनाने के लिए, होमवर्क आप इसे बनाइए सारा का मान निकालना है। देखिए तो सवाल देते हैं आपको बनाने के लिए, आप बना सकते हो किताब खोल के भी 6.1 का, या तो हम जो लिंक दे रहे हैं दोस्तों आप ये सब सारे सवाल को बना लीजिए। कल स्टार्ट करेंगे इसका प्रॉपर्टी, कल बेटा इसका प्रॉपर्टी बताया जाएगा, उसमें बहुत सारा सवाल उसी के 4 नंबर में आपका आएगा, उसी से प्रॉपर्टी उपयोग करके आपका 4 नंबर में आएगा। पहला नंबर देखिए
यहां पे यदि ये बराबर, चलो पहले नंबर डेल्टा बराबर मान लेते हैं दिया होगा आपका डेल्टा बराबर 3 0 3 -1 0 -5 -2 -1 कहीं 0। चलिए इसका मान निकालिया। दूसरा नंबर डेल्टा बराबर 1 -1 4 2 3 1 4 0 0 इसका भी मान निकालिए। तीसरा नंबर डेल्टा इक्वल को मान लेते हैं 1 0 0 उसके बाद 0 1 0 1 2 4 इसका भी मान निकालिए। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं कि ए का मान दिया हुआ है 1 2 5 उसके बाद 1 1 4 और यहां पे -2 -3 -9 है। देन आपको निकालना है फाइंड, आपको यहां पे निकालना है डिटरमिनेंट ए का मान। तो ये सब सारे सवाल जो दिया होगा आप इसे बनाइए, आपसे बन जाएगा। और प्यारे बच्चों आपको खूब मेहनत कीजिए, एग्जाम आपका फरवरी या तो मार्च में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है तो जो यार खेले कूदने में आए हैं पूरा टाइम को स्पेंड नहीं करना है, टाइम को उसमें क्या करना है खर्च नहीं करना है, टाइम उसमें वेस्ट नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है। पढ़िए बढ़िया से, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत होता है ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी कीजिए, ताकि आप अभ्यास आपको करना ही होगा और आप सही जगह पे कब पहुंचेंगे जब आप मेहनत करके एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते, मेहनत करके अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो बनाए इसे सबको भूलना है, आराम से रहिए, फैमिली के साथ रहिए, खाइए पिए बढ़िया से रहिए और पढ़िए भी।